नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम आटे का हलवा बनाएंगे और आटे का हलवा बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल जैसे गुरुद्वारे में हलवा मिलता है, प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद, उसकी जैसे ये हलवा बनके तैयार होगा। और इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक कटोरी आटा, एक कटोरी घी और एक कटोरी चीनी। ये तीनों ही बराबर क्वांटिटी में इसमें होते हैं जब ये एकदम सही बनता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स वैसे डलते नहीं हैं, बिना ड्राई फ्रूट के बहुत ही अच्छा बन जाता है, लेकिन मैं डालूंगी भी नहीं, ये डेकोरेट के लिए मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे लिया है पिस्ता, किशमिश, बादाम, काजू और आधा चम्मच लिया है इलायची पाउडर का, ये हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे। अब हम एक भगोनी ले लेंगे और उसमें जो चीनी हमने ली थी ये चीनी हम इसमें डाल देंगे। और मेजरमेंट आप एक ही कटोरी से करना या एक ही कप से करना या मेजरमेंट कप से करना, लेकिन एक ही होना चाहिए ये साइज। और अब इसमें दो कटोरी हम पानी डालेंगे, एक कटोरी चीनी और दो कटोरी पानी। ये देखिए एक कटोरी मैंने ऐड कर दी, ये ले दो कटोरी ये ऐड कर दी। अब इसको हम पकाएंगे और इतना ही पकाना है कि एक उबाल आ जाए, ज़्यादा नहीं इसको पकाएंगे हम। तो ये चीनी इसमें मेल्ट हो गई है, बस हमें चीनी मेल्ट होने तक इसको पकाना है, इसकी चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और जो आटा हमने लिया था वो आटा इसमें हम डाल देंगे। पहले घी ऐड नहीं करेंगे, मैं पहले इस आटे को ही 3-4 मिनट के लिए सूखा ही भूनूंगी, इससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखना आप। तो इसको हम चलाते हुए 3-4 मिनट तक इसको भून लेंगे, यानी 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं भूनना है हमें, मीडियम आँच पर। अब 5 मिनट के बाद हम इस आटे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आटा निकालने के बाद वही पैन मैंने दोबारा से ले लिया है और इसमें जो घी हमने लिया था वो घी इसमें ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी मैंने बचा लिया है, ये लास्ट में हम ऐड करेंगे, इससे क्या है हलवे में शाइनिंग अच्छी आती है। और अब जो ड्राई फ्रूट हमने लिए थे उनमें से बादाम मैं इस कढ़ाई में डालूंगी और उसको भून लेंगे। अब 2-3 मिनट बादाम भूनने के बाद हम इसमें काजू ऐड करेंगे, क्योंकि काजू को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम बाद में ऐड करेंगे। साथ में ऐड कर देंगे तो काजू जल जाएंगे और बादाम भुनेंगी नहीं। और अब इन दोनों को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम किशमिश को अलग से फ्राई करेंगे, क्योंकि किशमिश में तो 30 सेकेंड भी नहीं लगती, तो उसको अलग ही डालना, इनमें डाल देंगे तो जल जाएगी किशमिश। अब यहाँ पे मैंने किशमिश भी डाल के और इसको फ्राई कर ली और निकाल ली है। अब इस घी में हम जो आटा लिए थे, जो आटा भून के हमने रखा था, वो आटा इसमें ऐड कर लेंगे और इसको चलाते हुए मीडियम आंच पे हमें भूनना है आटे को, और इतना भूनना है कि इसका डार्क ब्राउन कलर हो जाए अच्छा सा, तब तक इसको भूनते रहेंगे। तो आटा अच्छा भुन के तैयार हो गया है, कलर भी देखिए कितना डार्क हो गया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और फटाफट जो चीनी का पानी हमने मिलाया था, एक हाथ से हम चलाते जाएंगे, दूसरे हाथ से पानी डालते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, और पूरा पानी इसमें ऐड कर देंगे। आप सोच रहे हो कि ये बहुत ही पतला दिख रहा है, इसकी टेंशन मत लेना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी थोड़ी देर में देखना हलवा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए हलवा गाढ़ा भी हो गया और पैन छोड़ने लग गया है, हलवे में शाइनिंग आ गया, घी भी छोड़ने लग गया। अब जो घी बचाया था वो घी भी इसमें ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए और बनाएंगे, इसको पकाएंगे, यानी बन गया है हलवा। तो 5 ही मिनट में ये चीनी का पानी डालने के बाद तैयार हो जाता है।
तो देखिए हलवा मैंने इस कटोरी में निकाल लिया, आप कोई भी बाउल में निकाल सकते हो, वो नीचे से प्लेन होनी चाहिए। अब इस तरह से एक प्लेट इसके ऊपर लगाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे और इसको आराम से हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, ये देखिए बिल्कुल केक की तरह हो गया। और इसको मैं केक की तरह ही डेकोरेट करने वाली हूँ, आप इसको केक की जैसे भी यूज में ले सकते हो, जैसे अभी दुकानें वुकानें बंद हैं और जैसे वैसे वाला केक हम बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता। और ये अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो सबको पसंद भी बहुत आएगा, हेल्दी भी है, इसमें कोई भी बाहर की चीज़ भी नहीं है, घर के सामान से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। मैंने ये ड्राई फ्रूट भी इसीलिए लिए थे ताकि मैं इसके साइड में ऐसे डेकोरेट कर दूँ। इसमें अंदर नहीं डालेंगे हम, आपको अगर पसंद हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मुझे आटे के हलवे में ये अंदर पसंद नहीं है। मैं इसी तरह से इसको डेकोरेट करने के लिए इनको फ्राई किया था। और इसके ऊपर हम बादाम भी लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए कितना अच्छा केक की तरह हलवा बनके तैयार हो गया है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।